स्विस बैंक ने भारत सरकार को पहली लिस्ट सौंपी है। इंडिया विल गेट ऑल डेटा ऑन ब्लैक मनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। स्विस बैंक। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। कभी कभी आपके मन में ख्याल तो जरूर आता होगा कि स्विस बैंक पूरी दुनिया में इतना मशहूर क्यों है, भारत के सबसे अमीर और ताकतवर लोग अपना पैसा सरकार से छुपाकर इस बैंक में क्यों डालते हैं, इससे उन्हें क्या फायदा होता है और क्या आम लोग इस बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं, और अगर खुल सकता है तो उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटरनेट सीक्रेट में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरी दुनिया में ये बैंक आखिर इतना फेमस क्यों है। सरकार से छुपाई गई कमाई को ब्लैक मनी कहा जाता है। ये ब्लैक मनी भी दो तरह की होती है, जैसे किसी दुकान पर बिना बिल के सामान बेचने में जो सरकार की नज़रों में नहीं आता उसे लीगल ब्लैक मनी कहते हैं, और दूसरी इलीगल ब्लैक मनी जैसे बैटिंग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग जैसे चीज़ों से कमाया हुआ पैसा। अगर इसे आसान शब्दों में कहें, एक अच्छी इकोनॉमी में सरकार के पास आपके हर लेन देन का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता उसी को ब्लैक मनी कहा जाता है। और इस ब्लैक मनी को कहीं भी इस्तेमाल करने से पहले इसे अलग अलग तरीकों से वाइट किया जाता है, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही खर्च किया गया तो सरकार की नज़रों में आ जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसे छुपाने का एक तरीका स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत फेमस है। असल में ये अकेला बैंकिंग फर्म नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड के सभी बैंकों को ही स्विस बैंक कहा जाता है। लेकिन इस देश के बैंकों के लॉस कुछ खास हैं, जिस वजह से इस देश के बैंक्स पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं। 1713 में स्विट्जरलैंड ने एक लॉ बनाया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की जानकारी किसी को भी शेयर नहीं करेगा, और जब ये लागू हुआ तो आसपास के सभी देश के पावरफुल अमीर लोग अपना पैसा रखने लगे, और यहीं से स्विस बैंक की दुनिया के सामने साइलेंस ऑफ सीक्रेसी की इमेज बन गई। इस नियम के बाद स्विट्जरलैंड में मानो पैसे की बाढ़ आ गई और सरकार भी काफी खुश थी। 1934 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट एक और लॉ, बैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ 1934 पास करती है, जिसके आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग अगर कोई बैंक या उसका एम्प्लॉई अपने कस्टमर के किसी भी तरह की जानकारी उसके देश या किसी भी टैक्स फर्म को देता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, फिर चाहे ये जानकारी किसी भी क्रिमिनल की ही क्यों ना हो। अगर कोई इसे तोड़ता है तो उसे 5 साल तक की सजा डिक्लेयर होगी। आपको बता दूं, ये पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम का सबसे स्ट्रिक्ट लॉ कहा जाता है। ये सब देखकर पूरी दुनिया के सभी अमीर लोगों के लिए ये बैंक एक अपॉर्चुनिटी बन गया, क्योंकि उनको अपनी कमाई या ब्लैक मनी का किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि ये देश इतना सारा पैसा लेके भाग गया या मना कर दिया, तो दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल ही रहता है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में इस तरह का बैंक होता तो भारतीय इसमें पैसा रखने में एक बार सोचते, लेकिन स्विट्जरलैंड की किसी भी देश से दुश्मनी नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम पर भी सभी देश मजबूर थे अमेरिका और सोवियत में से किसी एक को चुनना, तो उस समय पर भी स्विट्जरलैंड बिल्कुल न्यूट्रल था। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी स्विट्जरलैंड कभी लड़ने आगे नहीं आया। 1501 से लेकर आज तक कोई भी जंग इस देश ने नहीं की है, और यही चीज इस देश के लिए सभी के मन में विश्वास बन जाता है। विश्व युद्ध के समय पर भी जिन देशों को लग रहा था कि हिटलर हम पर अटैक करके हमारे पैसे लूट लेगा, वो सभी देशों के लोग अपना पैसा स्विट्जरलैंड में रखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हैमरिच हिमलर ने भी स्विट्जरलैंड में एक स्पेशल ट्रेन भेजी थी जिसमें हजारों करोड़ का सोना और कीमती चीजें मौजूद थी। वो स्विट्जरलैंड के ही लॉकर में जमा की गई थी। अब ऐसा नहीं है कि इस बैंक में सिर्फ अमीर लोग ही अपना पैसा रखते हैं। जिन देशों की सरकारें टिकाऊ नहीं होती हैं या जहां के बैंक इस ट्रस्ट के लायक नहीं होते हैं, वहां के लोग भी इसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, और साथ ही इस देश की करेंसी भी वर्ल्ड मोस्ट प्रीमियम करेंसी मानी जाती है, तो लोगों को बाकी देशों के मुकाबले स्विट्जरलैंड के बैंकों पर ज्यादा भरोसा रहता है, और यही चीज स्विट्जरलैंड भी बहुत अच्छे से समझता है। स्विस बैंक में पूरी दुनिया के किसी भी रेसिडेंट का अकाउंट खुल सकता है, आपके और हमारे जैसे लोगों का भी घर बैठे अकाउंट खुल सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि कम से कम 1 बिलियन स्विस फ्रांक होने चाहिए। साथ ही अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक होनी चाहिए। इसके साथ एक रेज्यूम भी चाहिए होता है जिसमें आपकी स्किल्स से लेकर आप क्या क्या काम करते हैं वो सारी डिटेल्स होती है। इतना ही नहीं, जो पैसा आप इसमें जमा करने वाले हैं वो कहाँ से आया है ये भी बताना पड़ता है। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी टाइम जोन और किसी भी भाषा में कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। असल में पहले काफी आसान तरीका था अकाउंट ओपनिंग का, लेकिन स्विट्जरलैंड पर काफी इंटरनेशनल प्रेशर आया, इसलिए पहले से अभी थोड़ा प्रोसेस कठिन कर दिया गया है अकाउंट में पैसा जमा करना। लेकिन इन सबके बाद भी कोविड के टाइम से स्विस बैंक के पास काफी पैसा आया है। जब दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन चल रहा था तब स्विस बैंक ने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और यूजर्स को मोबाइल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की,
2020 में स्विस सर्वे के हिसाब से स्विट्जरलैंड में लोगों ने कैश से ज्यादा मोबाइल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया। नॉर्मल स्विस अकाउंट घर बैठे कोई भी ओपन कर सकता है अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरी करता है तो। लेकिन स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए। ये वो खाते होते हैं जिसे ताकतवर और अमीर लोग ही खुलवाते हैं। इन्हें खुलवाना आसान बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए आपको एक बार बैंक में विजिट करना पड़ेगा और इस अकाउंट में आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दुनिया की कितनी भी ताकतवर सरकार क्यों ना हो, अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ साइन नहीं किया है तो स्विस बैंक किसी भी हालत में कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। नंबर्ड अकाउंट की खासियत यह है कि नाम की जगह एक कोड बैंक की तरफ से मिलता है। साथ ही बैंक के कुछ लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलता कि इन खातों में क्या हो रहा है। अगर आम तौर पर किसी को भी पैसा भेजना हो तो भारत में आदमी का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम सब चाहिए होता है। लेकिन इस खाते में सिर्फ एक नंबर से सारा काम हो जाता है। सिर्फ कुछ बैंक के खास एम्प्लॉयज को ही इसकी जानकारी होती है, बाकी इसकी कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं होती। इस खाते में पैसा जमा करते समय ये चेक किया जाता है कि पैसा किसी गलत जगह से तो नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के गया और पैसा जमा करा दिया। एक बार सब चेक करने के बाद अकाउंट ओपन हो जाने पर स्विस बैंक अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को बचाने पर प्रायोरिटी देता है। नंबर्ड अकाउंट के लिए स्विस बैंक में जो कंप्यूटर होता है उसमें तक कस्टमर का नाम नहीं होता। साथ ही बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपकी आइडेंटिटी नहीं देख सकता। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट पर भी अकाउंट होल्डर का नाम नहीं होता, बस ट्रांजेक्शन नंबर होते हैं। इसे इस्तेमाल करने पर स्विस बैंक पूरे साल का $300 यानी 24 से 25 हज़ार चार्ज करता है। और अगर आप स्विट्जरलैंड के बाहर रहते हैं तो एक नॉन रेसिडेंस फीस भी देनी होती है। ये बैंक ये भी फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट तक आपके पास ना आए, क्योंकि स्टेटमेंट किसी के हाथ लगने पर सारी जानकारी सरकार तक पहुंच सकती है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट ना भेजने के लिए फीस भी देनी होती है। साथ ही इस नंबर्ड अकाउंट में चेकबुक नहीं मिलती, बल्कि इसकी जगह पर बैंक ट्रेवल चेक इशू करता है। उसमें पैसा और सभी डिटेल्स पहले से ही भरी होती हैं। उसको आप करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपने न्यूज में तो जरूर सुना होगा कि इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की जांच करने पर उसके पास स्विस बैंक का ट्रेवलर चेक पकड़ा गया है। लेकिन इस चेक को इश्यू करने के लिए बैंक 1% अलग से कमीशन चार्ज करता है। इस नंबर्ड अकाउंट में सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी किराए पर ले सकते हैं, जिसमें आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं और ये हमेशा अकाउंट से लिंक होता है। साथ ही स्विस बैंक स्पेशल कस्टमर के लिए एक स्पेशल बैंक वॉलेट भी देता है जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स में होता है, जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहां गोल्ड, डायमंड और भी ऐसी कीमती चीजें रखते हैं। इनमें से ज्यादातर बंकर्स स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में बने हुए हैं। ये असल में मिलिट्री बंकर्स थे जिनको कभी मिलिट्री ने बनवाया था, बाद में स्विस बैंक ने इन्हें खरीद लिया। ये बंकर्स हर किसी को नहीं मिलते, ये उन चुनिंदा क्लाइंट को मिलते हैं जिन्होंने कई सिक्योरिटी क्लियरेंस पास किए होते हैं। इनमें से कुछ बंकर्स को जानबूझकर रोड की कनेक्टिविटी से दूर कर दिया जाता है, जहां सिर्फ प्लेन या हेलीकॉप्टर से ही जाया जा सकता है। और इन बॉलर्स का साल का किराया होता है $5,00,000। दोस्तों सोचने वाली बात है, किराया जब इतना ज्यादा है तो अंदर सामान कितने का होगा। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत से अमीर लोग पड़े हुए हैं जो आराम से ये किराया पे कर देते हैं। 2008 की मंदी के बाद लोगों का करेंसी से भरोसा उठ गया तो लोग गोल्ड और डायमंड में इन्वेस्ट करके इन लॉकर्स में रखने लगे और कोर्ट के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते हैं। स्विस बैंक ऐसा नहीं है कि कस्टमर डिटेल्स नहीं देता, बशर्ते गवर्नमेंट के पास उस पर्टिकुलर कस्टमर के खिलाफ सब्सटेंस क्रिमिनल चार्जेस होने चाहिए। लेकिन सिर्फ डिटेल ही दी जाती है, ना कि पैसा वापस किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं ताकि क्रिमिनल एक्टिविटी को रोका जा सके और उसे पकड़ा जा सके। पर यह सब पहले स्विस बैंक नहीं किया करता था, किसी भी हालत में कोई भी कस्टमर की डिटेल नहीं देता था। साथ ही इस बैंक की एक और खास बात है, दुनिया के बाकी बैंक्स में जब हम पैसा रखते हैं तो कस्टमर्स को अपने पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है, जैसे भारत में 2.5% से लेकर 7% तक का ब्याज मिलता है। लेकिन स्विस बैंक में -0.75% इंटरेस्ट देना होता है। मान लीजिए अगर आप ₹1,00,000 जमा करते हैं, जिसमें ₹750 आपको उल्टा बैंक को देना होगा, लेकिन इसके बाद भी लोग स्विस बैंक में पैसा रखते हैं और फायदे में भी रहते हैं। असल में स्विस बैंक की करेंसी लंबे समय से स्टेबल है। 2010 में एक स्विस फ्रांक ₹44 का था, लेकिन अब ये ₹88 का हो चुका है। यानी किसी ने 2010 में जो पैसा जमा किया होगा वो आज के टाइम पे डबल हो चुका होगा। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी भी लंबे समय से काफी स्टेबल है और महंगाई होती भी है तो मुश्किल से 1% से ज्यादा नहीं होती। यही रीजन है कि हर कोई स्विट्जरलैंड से जुड़ना चाहता है। अगर किसी वजह से अकाउंट होल्डर मर जाता है तो उसके बनाए नॉमिनी को सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है तो स्विस बैंक को पता भी नहीं चल पाता कि उसका अकाउंट होल्डर मर चुका है, क्योंकि स्विस बैंक किसी भी कस्टमर को कॉन्टैक्ट नहीं करता, क्योंकि हो सकता है इस वजह से अकाउंट होल्डर की सीक्रेसी सब में पता चल जाए। लेकिन अब स्विस बैंक का ये रूल है, अगर 10 साल तक अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो स्विस बैंक अकाउंट होल्डर को कॉन्टैक्ट कर सकती है, और अगर इसके बाद भी अकाउंट होल्डर नहीं मिलता है तो बैंक खाते को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी लाखों खाते ब्लॉक कर दिए गए थे, लेकिन ओसामा बिन लादेन का खाता 6 साल में ही ब्लॉक कर दिया गया था।
1990 में लादेन ने स्विस बैंक में अकाउंट ओपन किया था और 1997 में ही उसका खाता ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिका का भी प्रेशर था कि अलकायदा का पैसा इसी खाते में पड़ा हुआ है और स्विस बैंक को ब्लॉक कर देना चाहिए। तो टोटल 26.5 मिलियन डॉलर ब्लॉक कर दिया गया था। एक टाइम के बाद स्विस बैंक के लॉस से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को दिक्कत होने लगी थी। फिर 2014 में OECD ने एक डिक्लेरेशन बनाया कि सभी देश अपने टैक्स पेयर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और ये वो समय था जब भारत में आए दिन आप ये न्यूज सुनते होंगे कि स्विट्जरलैंड में पड़ा पैसा भारत वापस आना चाहिए। फिर मोदी सरकार ने भी प्रॉमिस किया कि वो स्विट्जरलैंड से सारी ब्लैक मनी वापस लाएंगे। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाएगा। इन्होंने 2018 में भारत और स्विट्जरलैंड का एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन का सिस्टम बनाया जिसमें भारत के रहने वाले स्विस बैंक के खातों की डिटेल स्विस बैंक भारत के साथ शेयर करे, ये सबमिट किया गया था। इसके बाद स्विस बैंक ने पहली लिस्ट सितंबर 2019 में भेजी जिसमें भारत के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे। दूसरी लिस्ट अक्टूबर 2020 में आई और तीसरी लिस्ट अक्टूबर 2021 में आई और चौथी लिस्ट अक्टूबर 2022 में आई थी जिसमें स्विस बैंक के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कस्टमर का नाम, एड्रेस, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट बैलेंस और बैंक की कुछ डिटेल्स शेयर की थी। लेकिन इस लिस्ट का कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से ये डेटा सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए ही आया था और ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ CBDT के पास ही रखी जाए ये तय किया गया था। OECD के गाइडलाइंस के हिसाब से इस डेटा को पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो इन्फॉर्मेशन तो आ गई, सबके नाम भी आ गए, पर इसको बताया नहीं जा सकता। और इस लिस्ट की खास बात ये थी कि ये लिस्ट सिर्फ उन लोगों की ही थी जिन्होंने प्रॉपर भारत से ही अपना अकाउंट ओपन किया था। लेकिन ब्लैक मनी को बाहर ले जाने वाले बड़े खिलाड़ी जिन्होंने एज ए इंडियन सिटीजन अकाउंट ओपन ही नहीं किया था बल्कि कई छोटे छोटे देशों से बेनामी नामों से अकाउंट खोले थे, उनका नाम कभी भी सामने नहीं आया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भारत से स्विस बैंक पर प्रेशर पड़ रहा था तो कुछ बड़े लोगों ने अपना खाता कहीं और बदल लिया और सारा पैसा डिजिटल करेंसी में शिफ्ट कर लिया जिसके बारे में स्विट्जरलैंड कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने स्विस लीक्स के हिसाब से कुछ लोगों के नाम पब्लिक किए थे और जानकारी दी इनके खाते में कितना पैसा जमा हो रखा है। सबसे खास बात यह है कि ये लिस्ट आने के बाद भी ब्लैक मनी जमा होना बंद नहीं हुई बल्कि उल्टा बढ़ और गई। भारत में पिछले 15 सालों से ब्लैक मनी पर डिबेट बनी हुई है। ब्लैक मनी खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई, स्विस बैंक के खातों की डिटेल भी आ गई, लेकिन कितना पैसा वापस आया या नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप इस तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।